दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसका जन्म अपने माता पिता की मौत के 4 साल बाद हुआ? पर कैसे और किस देश में इस चिड़िया को जेल में डाल दिया गया? पर क्यों? और ऐसा कौन सा देश है जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दे दी जाती है मौत की सजा? यदि नहीं जानते तो बने रहिए फंडा बुक चैनल की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, मोबाइल की दुनिया में आईफोन का एक अलग ही रुतबा है। यही वजह है कि फिल्म और वेब सीरीज में भी ज्यादातर कैरेक्टर आईफोन का इस्तेमाल करते हुए ही दिखाई देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में सिर्फ गुड कैरेक्टर ही आईफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलेंस को आईफोन यूज करने की इजाजत नहीं है। ऑब्वियसली ये नियम एप्पल ने ही बनाए हैं। एप्पल को लगता है कि यदि कोई वेलेन उसके प्रोडक्ट को यूज करता है तो मार्केट में उसके प्रोडक्ट की रेपुटेशन खराब होगी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 8, वर्ष 2017 में चीन में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसके माता पिता की मृत्यु 4 साल पहले ही एक कार हादसे में हो चुकी थी। असल में मृत्यु से पहले उसके माता पिता ने अपना एम्ब्रियोज फ्रीज करवा लिया था। इन दोनों की मृत्यु के बाद बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स ने इन एम्ब्रियोज से बच्चा पैदा करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। कानूनी जीत मिलने के बाद लाहौस की एक सरोगेट मदर ने वर्ष 2017 में इस बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम तियान तियान रखा गया। बच्चे को चीनी नागरिकता दिलवाने में भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और कई डीएनए टेस्ट कराने पड़े। डीएनए टेस्ट से साबित हो जाने के बाद फाइनली तियान तियान को चीनी नागरिकता मिल गई। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1986 में 2 किलोमीटर लंबी और 1.2 किलोमीटर चौड़ी एक झील ने एक ही रात में ही 1700 इंसानों की जान ले ली। ये कातिल झील कैमरून में स्थित है और इसका नाम लेक नियोज है। 21 अगस्त 1986 को इस झील में लिम्निक इरप्शन हुआ था। इस इरप्शन की वजह से 300,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान के पूरे इलाके में फैल गया। कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाने की वजह से इस झील के 25 किलोमीटर के दायरे में सफोकेशन होने की वजह से 1700 इंसानों की मौत हो गई। नंबर 6, वर्ष 1993 से 2009 के बीच 3 अलग अलग देशों में हुए 6 मर्डर केसेस में पुलिस को एक ही महिला का डीएनए मिला। ये मर्डर ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी में हुए। पुलिस को लगा कि ये कोई अननोन सीरियल किलर है जो कि इन लोगों की हत्या कर रही है। इस अननोन महिला सीरियल किलर को फैंटम ऑफ हेलीब्रोन निकनेम दिया गया। जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो तब उन्हें ऐसी बात पता चली जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस को जो 6 मर्डर केसेस में एक ही महिला का डीएनए मिला था, दरअसल वो डीएनए एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला का था और वो महिला डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए कॉटन बनाने का काम करती थी। तो साधारण से कॉटन की वजह से ये महिला सीरियल किलर की सस्पेक्ट बन गई। नंबर 5, प्राचीन एथेंस में डेमोक्रेसी का एक ऐसा रूप मौजूद था जिसमें लोग अपने लीडर के सिलेक्शन के लिए वोट नहीं करते थे बल्कि वो एथेंस से बाहर निकाले जाने वाले लोगों के सिलेक्शन के लिए वोट किया करते थे। प्राचीन एथेंस की इस डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी माना जाता है। भले ही इसका मकसद दूसरा रहा हो, इस डेमोक्रेसी में हर साल लोग वैसे ही पॉलिटिशियन के लिए वोट करते थे जिन्हें वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। ये काम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होता था। इस इलेक्शन में जिसे जीत मिलती थी उसे एथेंस से 10 साल के लिए निकाल दिया जाता था। अपने देश के लिए कुछ पॉलिटिशियंस को देखकर लगता है कि ऐसी डेमोक्रेसी आज भी होती तो अच्छी होती। एटलीस्ट हम उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए वोट तो कर ही सकते थे। नंबर 4, वर्ष 2019 में एक दुकान में चोरी के आरोप में नीदरलैंड की पुलिस ने एक छोटी सी चिड़िया को गिरफ्तार किया। इस परिंदे पर आरोप ये था कि जब इसका मालिक दुकान में चोरी कर रहा था तब ये उसके कंधे पर बैठी हुई थी, मतलब कि ये दुकान में चोरी के समय चोर के साथ थी। मजे की बात यह है कि जब मीडिया ने इस चिड़िया के बारे में रिपोर्टिंग की तब मीडिया ने इस चिड़िया की पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे के ऊपर नियमानुसार एक काली पट्टी भी डाल दी। नंबर 3, अमेरिका में डॉलर कॉइन का यूज बढ़ाने के लिए अमेरिका सरकार ने डॉलर कॉइन प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के तहत डॉलर कॉइन खरीदने वाले लोगों को फ्री फ्लाइट समेत कई तरह के ऑफर मिल रहे थे। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए अमेरिकन लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए डॉलर कॉइन्स खरीदने लगे। कॉइन खरीदने पर उन्हें जो लाभ मिलता वो उसका फायदा उठाते और जब उनके द्वारा खरीदे गए कॉइन की डिलीवरी होती तब वो उन्हीं कॉइन से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते, मतलब उन्हें बिना कुछ गवाए ही फ्री फ्लाइट मिल रही थी। नंबर 2, शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में दुनिया के सभी देशों में कोई ना कोई सजा जरूर है। कहीं चालान काट कर छोड़ दिया जाता है तो कहीं भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को मौत की सजा तक दे दी जाती है।
इस देश का नाम है अल साल्वाडोर। आपको क्या लगता है इस तरह के जुर्म के खिलाफ इतनी सख्त सजा सही है या गलत, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर वन, लंदन में एक आदमी को अपनी खाली जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं मिली, तो फिर इस आदमी ने अपनी जमीन पर एक टैंक की इजाजत मांगी। काउंसिल को लगा कि ये एप्लीकेशन सेप्टिक टैंक के लिए है, तो काउंसिल ने उस शख्स को टैंक की इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद इस महाशय ने क्या किया, उन्होंने एक रशियन T-34 टैंक खरीदा और इसे अपनी प्रॉपर्टी पर लाकर पार्क कर दिया, और तो टैंक का निशाना उसने उसी सिटी प्लानिंग ऑफिस की ओर कर दिया जहां उसे परमिशन नहीं मिली थी। इसे कहते हैं तेरी कह के लूंगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।